आपको सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला पता होना चाहिए और कुछ प्रैक्टिस कर लेना बहुत ही शानदार तरीके से आप इस चैप्टर को समझ जाओगे तो फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है एक डेटा में कोई भी ऑब्जर्वेशन कितने बार आ रहा है अगर आपको मीडियन निकालना है तो आपको सबसे पहले डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना पड़ेगा तो इसलिए आप इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हो समझ में आया वरना अगर असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज नहीं होगा तो कभी आपका आंसर अलग आएगा कभी आपका आंसर अलग आएगा कोई भी गिवन डेटा में जो वैल्यू सबसे ज्यादा बार आ रही है उसे हम मोड बोलते हैं जब इवेंट की प्रोबेबिलिटी आपकी जीरो आ जाए तो आप वो बोलोगे कि भैया ये इम्पॉसिबल इवेंट है हेलो डियर क्या हलचल भाई कैसे है सब उम्मीद करता हूं घर में है मम्मी पापा साथ हैं तो एकदम स्वस्थ मस्त और जबरदस्त होंगे आई वेलकम यू ऑल टू दिस ऑसम प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला जहां पर हम पढ़ रहे हैं रैपिड रिविजन और आज के इस क्लास में हम पढ़ेंगे क्लास सेवेंथ का बहुत ही शानदार टॉपिक जिसका नाम है डाटा हैंडलिंग डेटा हैंडलिंग को हम खत्म करेंगे और इसमें हम क्या पढ़ेंगे वो देख लेते हैं आ जाओ सबसे पहले हम देखेंगे बेसिक डेफिनेशन क्या होती है उसके बाद मीन देन मीडियन देन मोड एंड देन प्रोबेबिलिटी ठीक है तो सारे टॉपिक

तो आपको इंफॉर्मेशन दे रही हो आपको इंफॉर्मेशन दे रहा हो ठीक है न्यूमेरिकल फिगर तो कुछ भी हो सकता है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. कुछ भी हो सकता है ये कुछ भी हो सकता है बट अगर ये आपको कुछ इंफॉर्मेशन दे रहा है मैं बोलता हूं पांच लोग की मैंने एज लिखी जो कि है बारह ग्यारह बारह तेरह और चौदह ठीक है मैंने ये कुछ लोगों की एज लिखी तो मैंने क्या बताया आपको ये मैंने कुछ लोगों की एज लिखी तो ये इन्फॉर्मेशन दे रहा है और ये न्यूमेरिकल फिगर है तो ये आपका क्या हो जाएगा डेटा हो जाएगा ठीक है चलो सर उसके बाद आता है ऑब्जर्वेशन ऑब्जर्वेशन उस ऑब्जर्वेशन क्या होता है एवरी न्यूमेरिकल वैल्यू हर एक न्यूमेरिकल वैल्यू सर ये पूरा का पूरा आपका क्या कहलाएगा ये आपका डेटा कहलाएगा लेकिन इसके हर एक वैल्यू इसके हर एक वैल्यू हर एक वैल्यू को आप क्या बोलोगे हर एक वैल्यू को आप बोलोगे ऑब्जर्वेशन हर एक वैल्यू को आप बोलोगे ऑब्जर्वेशन ठीक है यहां पर एक ऑब्जर्वेशन ट्वेल्व है एक ऑब्जर्वेशन ग्यारह है एक ऑब्जर्वेशन बारह है एक ऑब्जर्वेशन तेरह है एक ऑब्जर्वेशन चौदह कितने ऑब्जर्वेशन है टोटल फाइव ऑब्जर्वेशन है क्लियर है तो डेटा टोटल न्यूमेरिकल वैल्यूज और हर वैल्यू के जितने भी न्यूमेरिकल हर एक न्यूमेरिकल वैल्यू को आप क्या बोलोगे ऑब्जर्वेशन ठीक है कंप्लीट डेटा और उसके बाद उसके हर एक वैल्यू को आप बोलोगे ऑब्जर्वेशन क्लियर है आगे चलो चलो सर रेंज रेंज क्या होता है चलो सर मैं क्या बोलता हूँ मैं एक डेटा लिख दिया फिर से बारह तेरह सत्रह अठारह और तीस ठीक है फॉर एक एग्जाम्पल ये मैंने कुछ एक लिखा रैंडम लिखा हूँ जिसमें कुछ आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ मैं को सिर्फ आपको रेंज समझाना है यहाँ पर तो बेसिकली रेंज ही क्या होता है बड़े ध्यान से सुनना और समझना हाइएस्ट वैल्यू ये जो भी आपको डेटा दिया हुआ है जो भी आपको डेटा दिया हुआ है उसकी जो हाइएस्ट वैल्यू होगी सर इसमें हाइएस्ट वैल्यू कौन सी है सबसे बड़ी वैल्यू मुझे थर्टी दिख रही है तो आप बोलोगे सर थर्टी और सर लोवेस्ट वैल्यू क्या है सर इसमें लोवेस्ट वैल्यू है ट्वेल्व तो आप जब इसको सब्ट्रैक्ट करोगे ना सर हाईएस्ट वैल्यू में से जब आप लोएस्ट वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करोगे ना तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 18 18 आपका रेंज कहलाएगा 18 आपका रेंज कहलाएगा मैंने शुरू में ही बोला था कि अगर इस चैप्टर में आपने कुछ फॉर्मूले समझ लिए तो आपको सारे के सारे क्वेश्चंस बड़े आसानी से सॉल्व कर लोगे तो रेंज का मतलब क्या होता है किसी भी डेटा का हाईएस्ट वैल्यू में से अगर आप लोएस्ट वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करोगे उनका डिफरेंस निकालोगे ये आपका कहलाया जाता है रेंज ठीक है तो यहाँ पर आपका क्या होगा रेंज एटीन हो गया सर उसके बाद आता है फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी ठीक है तो भैया द नंबर ऑफ टाइम्स ऑब्जर्वेशन ऑकर्स इन अ डेटा किसी भी डेटा में कोई ऑब्जर्वेशन कितने बार आ रहा है ठीक है किसी भी डेटा में कोई ऑब्जर्वेशन कितने बार आ रहा है ये आपकी फ्रीक्वेंसी होती है ठीक है इसको समझने के लिए कुछ क्वेश्चंस करेंगे तो समझ में आएगा देखो ये वाले क्वेश्चन से आपके सारे के सारे जो मैंने आपको पढ़ा है ना डेटा ऑब्जर्वेशन रेंज हर एक क्लियर कर दूंगा आ जाओ सर सबसे पहले ध्यान से देखना यहां पर क्या बताया गया है ये कुछ डेटा है जिसके जो रिटायरमेंट एज बता रही है ग्यारह लोगों की ग्यारह लोगों की रिटायरमेंट एज के बारे में ये डेटा दिया हुआ है। तो ये डेटा हो गया क्योंकि न्यूमेरिकल वैल्यू है और इसमें हमें कुछ ना कुछ जानकारी मिल रही है ठीक है सर उसके बाद इसके ऑब्जर्वेशन क्या क्या है सर ऑब्जर्वेशन इसके 54 है कुछ लोग 54 में ख... रिटायर हो रहे हैं कुछ लोग 55 में रिटायर हो रहे हैं कुछ लोग 56 में रिटायर हो रहे हैं कुछ लोग 57 में रिटायर हो रहे हैं कुछ लोग फिफ्टी में रिटायर हो रहे हैं और कुछ लोग सिक्सटी में रिटायर हो रहे हैं तो ये आपके क्या है हर एक नंबर जो है आपके ये आपके ऑब्जर्वेशन हो जाएंगे इसका अगर मैं आपको बोलूँ रेंज क्या है तो आप क्या बोलोगे हाइएस्ट वैल्यू सर हाइएस्ट वैल्यू क्या है इसकी रेंज में निकाल रहा हूँ तो आप बोलोगे तो आपका मतलब जो लोग रिटायर हो रहे हैं वो ये छह साल के बीच में रिटायर हो रहे हैं फिफ्टी फोर से सिक्सटी के बीच में रिटायर हो रहे हैं ठीक है थीके? तो आई होप आपको रेंज भी क्लियर हो गया होगा ठीक है अब उसके बाद आता है फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है एक डेटा में कोई भी ऑब्जर्वेशन कितने बार आ रहा है बार बार बता रहा हूँ ये चीज ठीक है तो सर फिफ्टी फोर कितने बार आ रहा है आप काउंट करोगे तो आप बोलोगे कि सर फिफ्टी फोर सर एक बार आ गया क्या बात है दो बार आ गया तीन बार आ गया तो फिफ्टी फोर की फ्रीक्वेंसी क्या है फिफ्टी फोर की फ्रीक्वेंसी क्या है फिफ्टी फोर तीन बार आ रहा है सर फिफ्टी फाइव सर फिफ्टी फाइव कितने बार आ रहा है एक बार आ रहा है तो आप बोलोगे सर फिफ्टी फाइव की फ्रीक्वेंसी क्या है सर कितने बार आ रहा है आप बोलोगे सर एक बार तो फिफ्टी सिक्स की फ्रिक्वेंसी कितनी हो जाएगी फिफ्टी सेवन कितने बार आ रहा है तो ये एक बार ये दो बार आप बोलोगे सर दो बार आ रही है ठीक है सर फिफ्टी एट कितने बार आ रहा है तो आप बोलोगे ये एक और ये दो तो आप बोलोगे दो बार सर सिक्सटी कितने बार आ रहा है एक बार दो बार तो आप बोलोगे दो बार तो सर आप समझ रहे हो सारे बच्चे समझ रहे हो आपको क्या समझना है कि 54 की फ्रीक्वेंसी थ्री 55 की फ्रीक्वेंसी वन 56 की फ्रीक्वेंसी वन 57 की टू इसी तरीके से सारे फ्रीक्वेंसी दिए हुए हैं ठीक है अब इसमें मोड क्या होता है इसको मैं आगे समझाऊंगा ठीक है अभी आपको बस इतना समझना है कि फ्रीक्वेंसी क्या होती है क्योंकि कुछ बच्चों को ना फ्रीक्वेंसी और मोड में थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है बट आगे मैं इसके बीच का आपको डिफरेंस क्लियर करवा दूंगा ठीक है चलो आगे आते हैं और देखते हैं सर मीन क्या होता है वॉट इज मीन मीन का एक बेसिक सा डेफिनेशन है जो बोलता है कि आपके पास जो भी ऑब्जर्वेशन है ना जो भी ऑब्जर्वेशन है उसको सारे को सारे को ऐड कर लो सबके सबको ऐड करो ठीक है मैं एक डेटा लिखता हूं फॉर एग्जाम्पल टू थ्री फोर और ठीक है मैंने ये डेटा लिखी ठीक है अब इसके बाद मैं क्या करूंगा इसका ऐड करूंगा मीन का फॉर्मूला मैं समझा रहा हूं आपको मीन का फॉर्मूला होता है सम ऑफ द गिवन ऑब्जर्वेशन सम ऑफ द गिवन ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ठीक है अगर आपको ये फॉर्मूला पता है तो आप सारे के सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे ठीक है तो आपको क्या करना है सारे के सारे ऑब्जर्वेशन सबको एड करो तो आप ऐड करो टू को थ्री के साथ फिर उसको फोर के साथ फिर फाइव के साथ और फिर सिक्स के साथ ठीक है और उसको डिवाइड करना है टोटल नंबर ऑफ गिवन ऑब्जर्वेशन जो आपके ऑब्जर्वेशन है ना उसको काउंट करो कितने नंबर है सर एक दो तीन चार पांच पांच ऑब्जर्वेशन है फाइव से डिवाइड करो इसके बाद जो आपका आंसर आएगा वो इसका मीन कहलाएगा उसका मीन कहलाएगा मीन को हम लोग एवरेज भी बोलते हैं मीन को हम लोग एवरेज भी बोलते हैं कई जगह आपको मीन दिखेगा कई जगह आपको एवरेज दिखेगा बात ये ठीक है बात एक ही है ठीक है इसको क्यों बोलते हैं कैसा बोलते हैं हमको इसको अच्छे से समझ चुके हैं लेकिन अभी हम रिविजन कर रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ मैं आपको आपको क्या बता रहा हूं आपके सामने फॉर्मूला चलो सर आगे चलते हैं और एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इन द इफ द एवरेज यहां पर एवरेज दिया हुआ है इफ द एवरेज ऑफ अ गिवन डेटा सिक्स टेन ट्वेल्व ये डेटा है सिक्स टेन ट्वेल्व एक्स और सिक्सटीन ये फोर्टीन है ठीक है डेटा कितना दिया हुआ है डेटा कितना दिया हुआ है सॉरी डेटा का एवरेज कितना दिया हुआ है डेटा का मीन कितना दिया हुआ है आप बोलोगे सर डेटा का मीन जो है वो फोर्टीन दिया हुआ है सर मीन का फॉर्मूला क्या होता है मीन सबसे पहले फार्मूला लिखोगे फॉर्मूला है सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन पूरा पूरा करके लिखोगे सर सम क्या है सम तो करना पड़ेगा सर सिक्स प्लस टेन प्लस ट्वेल्व प्लस एक्स प्लस सिक्सटीन हमें यही वैल्यू तो निकालनी है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स हमें मिसिंग वैल्यू निकालनी है टोटल हमारे ऑब्जर्वेशन कितने है? कितने ऑब्जर्वेशन काउंट करो एक दो तीन चार पांच पाँच ऑब्जर्वेशन टोटल ऑब्जर्वेशन फाइव है तो यहां पर आप फाइव लिख दोगे ठीक है हमें एक्स की वैल्यू निकालना है तो हमें हर चीज को इक्वल टू के अपोजिट साइड में भेजनी होगी सर डिवाइड में फाइव है डिवाइड में फाइव है इक्वल टू के अपोजिट साइड में जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा ये ट्रांसपोजिशन मेथड होती है ये हो गया आपका फोर्टीन इंटू फाइव सर यहाँ पर आप इसको ऐड करोगे टेन प्लस सिक्स सिक्सटीन सिक्सटीन प्लस ट्वेल्व ट्वेंटी एट ट्वेंटी एट प्लस सिक्सटीन फोर्टी फोर यहाँ पर आप लिख दोगे फोर्टी फोर प्लस सिक्स आप इसको आराम से ऐड करोगे तो आपका आंसर ये आ जाएगा ठीक है सर फोटीन फाइव से कितना होता है सेवेंटी होता है ठीक है सर फोर्टी फोर इक्वल टू के इस साइड आएगा तो माइनस फोर्टी फोर हो जाएगा सर यहाँ पर प्लस फोर्टी फोर है इक्वल टू के इधर आएगा प्लस इक्वल टू के इधर आएगा तो माइनस फोर्टी फोर हो जाएगा अगेन ट्रांसपोजिशन मेथड बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है वो ठीक है इक्वल टू एक्स आ जाएगा एक्स की वैल्यू हमें निकालनी है सर आप इसको सब करोगे तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी आपकी ट्वेंटी सिक्स तो यहां पर जो मिसिंग नंबर था ना यहां पर जो मिसिंग नंबर था वो क्या था आपका 26 अगर आपको फॉर्मूला नहीं पता होता तो आप ये सॉल्व भी नहीं कर पाते अब आप इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन लगाना आपका मीन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा फॉर्मूला एक ही है मीन इज इक्वल टू समर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन वेरी सिंपल चले आगे चलते हैं मीडियन समझते हैं मीडियन के दो केस है पहला केस है ऑड और, और दूसरा केस है इवन पहला केस है ऑड और, और दूसरा केस है इवन आपको सबसे पहले यह याद रखना है अगर आपको मीडिया निकालना है ना तो आपको डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना पड़ेगा क्लियर है मैं रिपीट कर रहा हूं अगर आपको मीडियन निकालना है तो आपको सबसे पहले डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना पड़ेगा आप चाहते हो तो डिसेंडिंग ऑर्डर में भी अरेंज कर सकते हो लेकिन बात एक ही है तो मैं हमेशा एक ही चीज सजेस्ट करूंगा कि हर बार असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो ठीक है आप असेंडिंग ऑर्डर में ही अरेंज करना ताकि आपको एक चीज याद रहे कि हर बार मुझे असेंडिंग ऑर्डर में याद रखना है या कि इसको अरेंज करना है ठीक है तो मैंने बोला आपको क्या करना है किसी भी डेटा का मीडियन निकालना तो उसका फॉर्मूला है फॉर फॉर दिस इज नंबर नंबर ऐसे नंबर जो टू से

ठीक है इसका मुझे निकालना मीडियम तो मैंने क्या बोला ये पहले काउंट करो कि, कि कितने नंबर है आप बोलोगे और इसको फिर असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो तो आप बोलोगे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज है असेंडिंग ऑर्डर छोटे से बड़े में अरेंज है उसके बाद आप इसका फॉर्मूला लिखोगे मीडियम इज इक्वल टू एन प्लस वन बाई टू सर एन क्या है एन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने ऑब्जर्वेशन है सर इसमें एक दो तीन चार पांच कितने ऑब्जर्वेशन है पांच ऑब्जर्वेशन है तो सर फाइव ठीक है बाय फाइव प्लस वन बाई टू करोगे बड़े ध्यान से सुनना फाइव प्लस देखो फाइव प्लस अब आगे देखना फाइव प्लस होता है सिक्स बाई टू करोगे सर क्या आ गया तीसरा तो जो तीसरा टर्म होगा ना जो तीसरा टर्म होगा वो यहां पर मीडियन कहलाएगा सर तीसरा टर्म कौन सा एक दो तीन तो ये जो डेटा है उसका मीडियन ये ये उसका मीडियन है ये उसका मीडियन है क्लियर है ये क्या है उसका मीडियन है वेरी सिंपल समझ में आया आई होप आपको मीडियन समझ में आ गया होगा इसके ऊपर एक क्वेश्चन करते हैं ये एक डेटा दिया हुआ है आपको क्या करना है इसका मीडियन निकालना है है ठीक ठीक सर सबसे सबसे पहले पहले असेंडिंग असेंडिंग ऑर्डर ऑर्डर में अरेंज करोगे आप इसको बड़े ध्यान सुनना आपने मुझे बोला सर सबसे पहले आप इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो सो मैंने तीन तीन लिखा फिर उसके बाद फोर और फोर लिखा और उसके बाद मैंने लिखा फाइव और उसके बाद लिखा सिक्स अब मेरा पहला काम हो गया दूसरा इसको मैं करूंगा काउंट कितने नंबर है भैया एक दो तीन चार पांच छह है? एक दो तीन चार पाँच छः यहां पर एक नंबर और छूट गया हमारा सात सात हो, तो हो गए तो कितने नंबर हो गए यहां पर आप बोलोगे सर ऑड नंबर देखो काउंट करो सर कितने हैं वन टू तो, थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन सेवन मतलब तो आप इसका क्या निकालोगे फॉर्मूला निकालोगे मीडियन जो का फॉर्मूला है एन प्लस वन बाई टू सर एन कितना है आप बोलोगे सर टोटल सेवन है सेवन प्लस वन बाई टू इक्वल टू एट बाई टू एंड एट बाई टू मतलब ये नहीं कि चार नंबर चार का नहीं ये है चौथा नंबर यहाँ पर इसलिए मतलब तीसरा नंबर यहाँ पर आपको तीसरे नंबर को मीडियन बनाना है तो यहाँ पर आपको चौथे नंबर को मीडियन बनाना है तो इसलिए आप इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हो समझ में आया वरना अगर असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज नहीं होगा तो कभी आपका आंसर अलग आएगा कभी आपका आंसर अलग आएगा ठीक है तो आप देख रहे हो वन टू थ्री फोर चौथा नंबर ये हो गया ठीक है तो चौथा नंबर आपका फोर आ गया तो ये आपका क्या कहलाएगा मीडियम कभी भी इसको मीडियम नहीं लिखना यहां पर आप तीन को मीडियम नहीं लिखोगे तीसरे नंबर को मीडियम लिखते हैं समझ में आया तीसरे नंबर को मीडियम लिखते हैं चलो सर आगे चलते हैं अगर इवन आ गया तो अगर इवन आ गया तो कहां जाएंगे सर तो मेरी बात ध्यान से सुनना सबसे पहला का मैंने बोला ना मीडियम में सबसे पहला आपको डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना ठीक है कर दिया उसके बाद काउंट करो अगर इवन गया तो ये फॉर्मूला को देख लो बस फॉर्मुला को ध्यान से देखना और याद कर लेना मतलब दिमाग में बैठा लेना बाकी मैं जब इसके क्वेश्चन कराऊंगा ना आप डायरेक्टली समझ जाओगे इसका मतलब क्या एन बाई टू मतलब क्या होता है अगर मैं बोलता हूं यहाँ फोर है क्योंकि हमारे पास एन इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होंगे तो हमें फोर बाय टू करना है तो आपका आंसर क्या आ जाएगा टू ठीक है और यही टू में वन को ऐड कर देना तो आ जाएगा थ्री ठीक है समझ में आ जो भी नंबर है उसका अगला नंबर ठीक है जो भी नंबर है उसका अगला नंबर फोर बाय टू टू आ जाएगा या थ्री आ जाएगा फिर उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे ठीक है समझ में नहीं आया आगे क्वेश्चन करते हैं तो समझ में आ जाएगा फाइंड द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डेटा इस डेटा का हमें मीडियन निकालना तो भैया सबसे पहले इसे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करूँ सर सबसे छोटा नंबर सिक्स है तो पहले सिक्स लिखेंगे फिर उसके बाद लिखोगे नाइन देखो सिक्स हो गया नाइन हो गया नाइन के बाद सर टेन सर टेन हो गया ठीक है सिक्स नाइन टेन सर टेन के बाद ट्वेल्व तो आप बोलोगे ट्वेल्व ट्वेल्व के बाद सर क्या है ट्वेल्व के बाद आप बोलोगे थर्टीन तो बोलोगे थर्टीन थर्टीन के बाद क्या है सर फोर्टीन थर्टीन के बाद है फोर्टीन ठीक है सर फोर्टीन के बाद क्या है फोर्टीन के आप बात बोलोगे एटीन तो ये लो भैया 18, 18 के बाद क्या है सर 19 तो आप बोलोगे सर 19 और 19 के बाद आप बोलोगे 20, 20 हाँ 20 एंड 20 के बाद आप बोलोगे ट्वेंटी ट्वेंटी आगे सारे नंबर्स आ गए सारे नंबर आ गए देख लो मैंने इसलिए कट करते के, ताकि हम लोग सारे नंबर्स को लेके चले ठीक तो हाँ है तो नाइन सारे नंबर्स आ गए हाँ भैया सर यहां पर एक बार क्रॉस चेक करने के लिए काउंट कर लेना यहां पर कितने नंबर है एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस यहाँ पर एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस क्या बात है ठीक है अब दस मतलब सर इवन है और इवन का फॉर्मूला क्या था सर मीडियन फॉर इवन नंबर इज वन बाई टू एन बाय टू एट प्लस एन बाइ टू प्लस ठीक है यहां पर टी एस टी एच लिखते चलना बड़े ध्यान से देखना सर वन सर यहां पर एन कितने है? टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने है? आप टेन टेन बाई टू कर दो सर टेन बाई टू कितना होता है फाइव होता है तो आपको पांचवा टर्म उठाना है यहां से पांचवा टर्म उठाना है और उसके बाद उसका अगला टर्म इसको सॉल्व करोगे तो सिक्स आंसर आएगा सिक्स टर्म करके देख लो आ जाओ टेन बाई टू प्लस वन सर फाइव प्लस वन विच इज इक्वल टू सिक्स ठीक है तो आपको इसलिए मैं बोल रहा था फॉर्मुला के ज्यादा ध्यान नहीं देना जो भी आंसर आएगा ना जितने भी आपके ऑब्जर्वेशन रहेंगे उसका आधा लिखना उसमें प्लस वन कर देना अगर ट्वेल्व है तो सिक्स और सातवा नंबर को लेकर क्योंकि ट्वेल्व बाय टू सिक्स आता है और उसके बाद ट्वेल्व बाय टू प्लस वन करोगे तो सिक्स प्लस वन सेवन आ जाएगा ठीक है तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी फॉर्मुला अगर आपको याद है तो वेल एंड गुड फॉर्मुला याद रखना है यार फॉर्मुला के भी तो मार्क्स मिलते हैं ठीक है तो फॉर्मुला के भी आपको साथ में साथ में याद रखते हुए चलना ठीक है तो सर वन बाय टू ध्यान से देखना फिफ्ट नहीं फाइव नहीं पांचवा नंबर पांचवा नंबर कौन सा एक दो तीन चार पाँच थर्टीन बहुत बढ़िया सर छठवा नंबर कौन है उसके बाद वाला फोर्टीन सर ये दोनों को आप करोगे एड ठीक है तो आपका आंसर आ जाएगा वन बाय टू और इसको एड करोगे तो आ जाएगा ट्वेंटी सेवन अब आपका मीडियन जो होगा अब आपका जो मीडियन होगा वो होगा ट्वेंटी सेवन बाई टू वो होगा आपका ट्वेंटी सेवन बाय टू और ट्वेंटी सेवन बाय टू होता है आपका थर्टीन पॉइंट फाइव ये हो जाएगा इसका मीडियन हो जाएगा इसका मीडियन आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि सर मीडियन किस तरीके से निकालते हैं इवन के लिए अलग आएगा और ऑड के लिए अलग आएगा ठीक है इवन और ऑड के लिए अलग अलग आएगा सर उसके बाद आता है मोड मोड होता है मोड इज द मोस्ट कॉमनली ऑकरिंग डेटा वैल्यू इन अ डेटा ठीक है सर ध्यान से देखना ये जो मैंने पीछे क्वेश्चन कराया था यहां पर मैंने बताया था कि सर इसकी फ्रीक्वेंसी थ्री है इसकी वन है इसकी वन है इसकी टू है इसकी टू है इसकी टू है, है सर यहाँ पर अगर मैं आपको बोलूँ मोड निकालो तो आपको क्या याद रखना है कि मोड का मतलब होता है किसी भी डेटा में जिसकी फ्रिक्वेंसी सबसे ज्यादा होगी तो यहाँ पर सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी फिफ्टी की है सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी 54 की है तो 54 इसका मोड होगा 54 इसका मोड होगा वेरी सिंपल फ्रीक्वेंसी लिख दिया ठीक है अब सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है 54 की है तो 54 इसका मोड होगा वेरी सिंपल मोड सबसे इजी है क्वेश्चन में जो फ्री के मार्क्स देखे जाएगा ना वो मोड है चलो तो सर यहाँ पर देख लेते हैं सबको काउंट करते हैं किस आपको इसका मोड निकालना तो देखो यहाँ पर नाइनटीन ठीक है कौन कौन से वैल्यूज है आप देख रहे हो यहाँ नाइनटीन एक बार है ठीक है नाइनटीन एक ही बार है तो ये तो हो नहीं सकता सर ट्वेंटी फाइव को देख लो ट्वेंटी फाइव नाइनटीन नहीं तो काट दो ठीक है आप लोग को प्रॉपर टे, टे, टेबल्स वगैरह बना के करना है ठीक है बट अभी हम लोग क्या कर रहे हैं मोड जान रहे हैं तो सर ट्वेंटी फाइव एक बार सर ट्वेंटी फाइव दो बार ठीक है तो आप बोल रहे हो बिल्कुल सर ट्वेंटी फाइव आ गया आपका दो बार नाइन्टीन हो गया आपका एक बार ठीक है सर टेन को देखना अब है ना टेन को देखना सर टेन एक बार ठीक है सर टेन तो एक ही बार आ रहा है मैंने बोला ठीक है कोई बात नहीं एक बार आने दो सर उसके बाद आते हैं फाइव में सर फाइव एक बार और सर एक ही बार है सर फाइव तो एक ही बार है बहुत बढ़िया सर उसके बाद आते हैं सिक्सटीन सर सिक्सटीन कितने बार है सर सिक्सटीन भी एक ही बार है तो हमारा काम तो यहाँ भी चल गया सर सिक्सटीन खत्म सर उसके बाद आते हैं ट्वेंटी थ्री सर ट्वेंटी थ्री एक बार और ट्वेंटी थ्री एक ही बार है तो बहुत बढ़िया सर उसके बाद आते हैं ट्वेंटी एक बार दो बार तीन बार तो सर ट्वेंटी कितने बार है तीन बार ये सब फ्रीक्वेंसी लिख रहा हूँ मैं ये सब फ्रीक्वेंसी लिख रहा हूँ सर नाइन एक बार है सर नाइन एक बार है सर फिफ्टीन भी एक बार है फिफ्टीन भी एक बार है ट्वेंटी फोर भी एक बार है ट्वेंटी फोर भी वन टाइम्स है ट्वेल्व भी वन टाइम्स है और आपका ट्वेंटी हम लोग ने ऑलरेडी काउंट कर लिया था कहाँ गया तीन बार था ट्वेंटी तीन बार था भैया देखो एक दो तीन और लो भैया चार बार है लो और बताओ ट्वेंटी तो फोर बार आ गये। लो आगे तो यहाँ पर आप देख रहे हो सबसे ज्यादा बार क्या आ रहा है सबसे ज्यादा बार ट्वेंटी आ रहा है तो ये इसका मोड कहलाएगा ये जो डेटा है इसका मोड तो मोड आपने क्या बताया था सर मोड आपने क्या बताया था कोई भी गिवन डेटा में जो वैल्यू सबसे ज्यादा बार आ रही है उसे हम मोड बोलते हैं यही था मोड का डेफिनेशन तो यहां पर आप देख लो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी तो ट्वेंटी इसका मोड वेरी सिंपल आगे बढ़ते हैं सर ये बहुत टॉपिक था आपको समझ में आ गया होगा ठीक है अब चलते हैं सर प्रोबेबिलिटी को समझते हैं बहुत ही शानदार और बहुत ही ईजी टॉपिक है ठीक है प्रोबेबिलिटी बेसिकली क्या होता है आप लोग ने कई बार सुना होगा शायद आज बारिश होगी शायद हो सकता है इंडिया मैच जीते तो ये जो वर्ड आप यूज करते हो ना शायद 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 हो सकता है देख सकते हो सकता है शायद ये सारे चीज आपकी क्या होगी प्रोबेबिलिटी होगी ठीक है तो प्रोबेबिलिटी क्या? हो? अगर हम नंबर्स में लिखे प्रोबेबिलिटी को अगर हम नंबर्स में लिखे जो हम बोल रहे हैं ना, शायद, 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 शायद अगर हम उसको हम नंबर में लिखें, तो वही प्रोबेबिलिटी होती है यहां पर ठीक है? इन मैथमेटिक्स फॉर्मूला देखना फॉर्मुला को समझना और इससे आप सारे क्वेश्चन निकालोगे नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम आपको जो भी हम क्वेश्चन पूछ रहे उसका आपको आउटकम बताना है कि वो पॉसिबल आउटकम आने के चांसेस क्या है और नीचे टोटल नंबर ऑफ आउटकम ठीक है टोटल नंबर ऑफ आउटकम बताना है फॉर्मुला देख लो इस पर जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा ठीक है इसको और अच्छे से हम समझते हैं अभी रिविजन में मैं आपको सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला बता रहा हूँ ठीक है तो भैया जब हम कॉइन को टॉस करेंगे या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा तो या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा तो मुझे बताओ हेड आने के चांसेस कितने बार है एक ही बार आ सकता है

तो आपको प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला पता होना चाहिए प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है भैया कि आपका ऑब्जर्वेशन जो आना चाहिए ठीक है और ऊपर नीचे टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्लियर है तो यहां पर आप ये लिख रोल जब आप किसी भी पासा पासा खेलते हो ना जब लूडो खेलते हो तो या तो एक आएगा या तो दो आप लोग सब लड़ते हो कि छह आ जाए मतलब ऐसा होता है ना भैया प्रोबेबिलिटी प्रोबेब हम खेलते हैं लूडो जब हमें छह चाहिए तो एक आता है जब एक चाहिए तो चेह आता है ठीक है बट यहाँ पर टेंशन वाली बात नहीं है हमें क्या करना है हमें सिर्फ पढ़ना है हमें खेलना नहीं है हमें सिर्फ पढ़ना है कि डाइस में क्या क्या आ सकते हैं तो सर मैंने देखा या तो वन आता है या तो टू आता है या तो थ्री आता है या तो फोर आता है या तो फाइव आता है या तो सिक्स आता है नॉर्मली यही आते हैं ठीक है अगर आप ये वाले टाइप से नॉर्मल लूडो से खेलोगे तो छह के ऊपर नहीं आता क्लियर तो अब मुझे बताओ कि वन आने के चांसेस कितने तो वन आने के चांसेस कितने आप बोलोगे सर एक बटे टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने सिक्स तो आप लिखोगे वन बाय सिक्स सर टू आने के चांसेस कितने सर दो आने के चांसेस छे मतलब या तो जैसा मैं फेंक रहा हूं तो छः आने के चांसेस कितने हैं आप या तो एक आ सकता दो आ सकता तीन आ सकता चार आ सकता पांच आ सकता छः आ सकता तो समझ रहे हो इसका चांसेस अगर मैं बोल रहा हूं छः की बात कर रहा हूं ना कोई भी नंबर की बात कर रहा हूं तो वो एक ही बार ठीक है वो एक ही बार है तो आप कैसे लिखोगे वन बाय सिक्स टू की भी प्रोबेबिलिटी वन बाय सिक्स थ्री की भी प्रोबेबिलिटी वन बाय सिक्स फोर की भी प्रोबेबिलिटी वन बाय सिक्स फाइव की भी प्रोबेबिलिटी वन बाय सिक्स और सिक्स की भी प्रोबेबिलिटी वन बाय सिक्स कोई भी आप

सिक्स क्योंकि हमारा टोटल नंबर ऑफ आउटकम सिक्स है और पॉसिबल आउटकम फोर है तो फोर बाय सिक्स ठीक है सर ऑड नंबर ऑड नंबर क्या क्या है यहाँ पर वन थ्री और सिक्स ठीक है तो आप क्या लिखोगे सर कितने आपके नंबर पॉसिबल आउटकम है पॉसिबल आउटकम आपके तीन है देखो तीन है एक दो तीन टोटल आउटकम कितने हैं छः तो आंसर आ जाएगा आपका वन बाई इसको सॉल्व करोगे सर इवन नंबर अगेन वही बात दो तीन दो चार और छः दो चार और छः तो सर यहां पर आप लिखोगे थ्री बाय सिक्स विच इज इक्वल टू वन बाय टू ठीक है एंड अगर आप बात करो नंबर ग्रेटर देन सिक्स छह से ज्यादा आने के चांसेस कितने छह से ज्यादा आने के चांसेस कितने तो आप बोलोगे सर छह से ज्यादा आने के चांसेस तो जीरो है सर जब मैं एक डाइस को फेंकूंगा तो भैया छह से ज्यादा तो आ ही नहीं सकता आ सकता है कि आप मेरे को बताना चाहिए छह से ज्यादा आ सकता है तो आप बोलोगे ये तो भैया इम्पॉसिबल इवेंट है ये कौन सा इवेंट है ये है आपका इम्पॉसिबल इवेंट ये हो ही नहीं सकता ठीक है जो इवेंट का आपकी प्रोबेबिलिटी जीरो आ जाए जब इवेंट की प्रोबेबिलिटी आपकी जीरो आ जाए तो आप वो बोलोगे कि भैया ये इम्पोसिबल इवेंट है ठीक है ये इम्पोसिबल इवेंट है आगे चले और देखते हैं कि भैया ये क्या है आपका डेक ऑफ कार्ड सबसे पहले आपको पता होना चाहिए टोटल कार्ड कितने होते हैं टोटल कार्ड्स आपके 52 होते हैं टोटल कार्ड्स कितने होते हैं आपके 52। टू यहां पर आप देख रहे हो एक ये है ये आपका डायमंडन क्लब एंड ये आपका हार्ट ठीक है इस तरीके से होता है ठीक है सर ये थर्टीन होते हैं याद रखना दिस वन थर्टीन थर्टीन एंड थर्टीन सर ऐसा क्यों सर क्योंकि चारों बराबर होना चाहिए ठीक है तो आप क्या बोलोगे थर्टीन इन फोर विच इज इक्वल टू फिफ्टी टू टोटल फिफ्टी टू कार्ड्स है ना टोटल फिफ्टी टू कार्ड्स है ना अब बस अगर आपको इतनी जानकारी है और आगे जो मैं आपको बताऊंगा आप प्रोबेबिलिटी के सारे क्वेश्चन को सोल्व कर लोगे ठीक है तो चलो सर देखते हैं कि क्लब्स आने के चांसेस कितने तो भैया आपने अभी बताया था टोटल तो सब थर्टीन 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 ही होते हैं तो यहां पर आप लिखोगे सर क्लब्स आने के नंबर ऑफ कार्ड कितने थर्टीन तो सर प्रोबेबिलिटी क्या होगी इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी सर पॉसिबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम इसको सॉल्व करोगे तो वन बाय फोर आ जाएगा इसको सॉल्व करोगे तो वन बाई फोर आ जाएगा डायमंड को जब आप करोगे तो यहां पर भी डायमंड भी डायमंडीन होते हैं भी 13 होते हैं और स्पेड भी थर्टीन होते हैं याद रखना है ये चारों होते हैं ठीक है तो आपको क्या आएगा सब में प्रोबेबिलिटी आपकी वन बाय फोर चारों की प्रोबेबिलिटी आपकी वन बाय फोर आएगी सर नंबर कार्ड बड़े ध्यान सुनना नंबर कार्ड कौन कौन से दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ और दस ये आपके नंबर कार्ड होते हैं जो आपका डेक ऑफ कार्ड कार्ड होता है ना ये उसके नंबर होते हैं सर वन नहीं होता ए ए होता है उसके लिए। ठीक है वन होता ही नहीं है दो से चालू होता है दस तक जाता है एक बार देखना कभी ठीक है तो आप बोलोगे कि सर कितने हैं इसके आपके क्लब में नौ रहेंगे एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ तो क्लब में आपको नौ मिलेंगे उसी तरीके से नौ डायमंड में मिलेंगे उसी तरीके से नौ हार्ट में मिलेंगे और नौ

फेस कार्ड सर फेस कार्ड या तो आपका जे या तो आपका क्यू या तो के जैक क्वीन किंग ठीक है यही होता है तो so, सर तीन इसमें होगा क्लब में तीन डायमंड में होगा तीन हार्ट में होगा और तीन स्पेड में होगा तो सर थ्री फोर जो ट्वेल्व तो आपका आंसर आ जाएगा ट्वेल्व बाय फिफ्टी टू सर इसका भी सिंपल वर्जन आपको लिखना है सिंपल फ्रैक्शन में लिख के आपको कमेंट सेक्शन में बताना है ठीक है ठीक है चलो सर एस एस, एस तो चार ही होंगे इक्का एक, एक क्लब में होगा इक्का एक, एक डायमंड में होगा इक्का एक, एक हार्ट में होगा इक्का एक, एक स्पीड में होगा तो टोटल ऑब्जर्वेशन कितने हैं इक्के के चार है चार तो आप क्या लिखोगे फोर बाय फिफ्टी टू विच इज इक्वल टू वन बाय थर्टी सिंपल अब मेरी बात ध्यान सुनना ब्लैक कार्ड कितने है? देखो सर ब्लैक कार्ड ये थर्टीन है और ये थर्टीन है ब्लैक कार्ड आधे होते हैं और आपके उसके बाद रेड कार्ड आधे होते थर्टीन तो प्लस थर्टीन ट्वेंटी सिक्स आप यहां लिखोगे ट्वेंटी सिक्स कार्ड आपके ब्लैक कार्ड होते हैं और ट्वेंटी सिक्स आपके रेड कार्ड होते हैं ठीक तो इसकी अगर हम प्रोबेबिलिटी निकाले तो ये हो जाएगा ट्वेंटी सिक्स बाय फिफ्टी टू विच इज इक्वल टू वन बाई टू यहां पर भी आपका वन बाई टू आ जाएगा तो आपको टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन पता होने चाहिए टोटल आउटकम्स पता होने चाहिए और उसके बाद अगर आपको पॉसिबल आउटकम पता है ना तो आप हमेशा प्रोबेबिलिटी निकाल लोगे कोई भी क्वेश्चन दे दो बेसिकली यहां से क्वेश्चन बनते हैं इसके अलावा भी कुछ कुछ क्वेश्चन बनते हैं जो आप बेसिकली विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू वर्ड प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू पॉसिबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्लियर है तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये एक मैंने होमवर्क दिया है जहां पर आपको इस वाले क्वेश्चन में मीन भी बताना है मोड भी बताना है मीडियम भी बताना है रेंज भी बताना है एक ही क्वेश्चन है इसके चारों निकालना और कमेंट सेक्शन में इसका जवाब भेजना ठीक है सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा हमने कम से कम समय में कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश की है और उसके कुछ कुछ एक एक क्वेश्चन की मदद से और उसको इंप्रोवाइज करने की कोशिश की है ठीक है आई होप आपको समझा होगा थैंक यू सो मच